सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जहाँ जाने का आपका बिल्कुल मन नहीं होता, पर वहाँ जाना जरूरी है क्योंकि अपना फ्यूचर सही करना है, स्कूल। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके हाथ में 6 से 7 घंटों तक हमारी चाबी रहती है। वो जो हम कहते हैं हमें वो करना पड़ता है, वो इंसान है सर एंड टीचर्स। इन लोगों ने जो कहा वो हमें करना ही पड़ता है, अगर नहीं सुना तो ये हमें अपने पेरेंट्स को बुलाने की धमकियां देते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही टाइप के सर मैम है, बट ऐसे और नमूने रहते हैं अपने स्कूल में। कुछ उनसे 10 गुना ज्यादा घटिया रहते हैं और कुछ 100 गुना ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो यार, अच्छे टीचर्स से मुझे एक बात याद आई। जब मैं 10th में था तब मैंने फेसबुक पे एक बड़ा कांड किया था, वो कांड एक लड़की पे था। तो उस कांड के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो में तो नहीं बताऊंगा वो। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट अगर उस नंबर से ज्यादा फालतू की किया आपने तो मैं नंबर हटा दूंगा वो। तो इस कांड के बारे में मेरे स्कूल के 45% स्टूडेंट्स को पता है। यही क्या, इसमें स्कूल के 10 से 12 सर टीचर्स को पता है, बट उन 10 टीचर्स में से 9 टीचर्स ने मुझे गालियां मारी, मेरे पेरेंट्स को बुलाने की धमकियां दी, पर सिर्फ एक सर ने मेरी पूरी बात सुनी और मुझे समझा। और ये पूरा मैटर सिर्फ एक सर ने 1 घंटे में खत्म कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं उन सर का नाम नहीं लूंगा। अब मुझे पता है ये वीडियो देखने वाले 95% लोगों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट ये 101% सच है। अगर अभी भी झूठ लगता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा विद प्रूफ। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ टीचर्स घटिया होते हैं और कुछ 10 टाइम्स ज्यादा घटिया होते हैं और कुछ बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये तो हो गई सर और टीचर के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं अपने स्कूल के सबसे पसंदी के सबसे ज्यादा काम करने वाले अपने वॉचमैन अंकल। अब सभी स्कूल के वॉचमैन कैसे हैं मुझे तो नहीं पता, बट हमारे स्कूल के वॉचमैन अंकल इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत। स्कूल के गेट के पास डंडा लेकर खड़े रहते हैं क्योंकि स्कूल के बाहर कोई बच्चा जाना नहीं चाहिए। अब आपको ये सवाल आया होगा कि स्कूल के बाहर क्यों नहीं जाने देते। उसका रीजन सभी स्कूल में एक ही है, बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। बट हमारे स्कूल के वॉचमैन अंकल 2 रीजन से हमें बाहर नहीं जाने देते। पहला तो मैंने आपको अभी बताया, और सेकेंड रीजन है कि हमारे स्कूल से आधे किलोमीटर के अंदर ही 3 होटल आते हैं, गणगौर, संगम और हल्दीराम। तो यार, सभी बच्चे दूध के धुले तो होते नहीं। वॉचमैन को चकमा देख के वो स्टूडेंट्स वहां से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं, इसलिए हमारे स्कूल में ज्यादा सिक्योरिटी है वॉचमैन की। तो फाइनली हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी आप वीडियो के स्टार्टिंग से राह देख रहे हो, हमारे अपने स्कूल फ्रेंड्स। तो यार, स्कूल में तो हम बहुत से फ्रेंड्स बनाते हैं, उनमें से 60% फ्रेंड च्युइंगम खा के बेंच को चिपकाने के अलावा और उन्हें कुछ नहीं आता। बट जो 40% स्टूडेंट रहते हैं, मतलब फ्रेंड्स रहते हैं, वो पूरे लाइफ में कभी भी काम आते हैं। मतलब अभी 10-11 दिन पहले ही मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और टेंस था, मतलब क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने मेरे स्कूल के फ्रेंड को कॉल लगाया, उसने 2 बार कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे और गुस्सा आया। उसने 3री बार कॉल रिसीव किया तो मैंने उसको जी भर के गालियाँ दी, जो आप सोच भी नहीं सकते उतनी सारी गालियाँ। वो समझ गया कि मैं थोड़ा टेंस हूँ, डिस्टर्ब। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा, तू रिलैक्स हो जा, और दूसरे दिन वो मेरे घर आया और मैंने उसको बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि तू अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, बट वो मैं कर चुका था। फिर उसने कहा कि फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर, तो चलो यार ये भी ट्राई करके देखते हैं बोला। और फिर सच में फर्क पड़ा। मेरे एक फैमिली फ्रेंड है जो पिछले 1 से 1.5 महीने से मेरे सामने है, बट मैंने कभी उससे बात नहीं की। बट मैंने उस दिन उससे बात की, उसके साथ अपने फीलिंग्स शेयर किए, उसके साथ फ्रेंडली रहने का ट्राई किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। अभी आप ही सोचो यार, अगर ऐसा फ्रेंड सबके पास हो तो सभी की लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। ऐसे फ्रेंड्स अपने आसपास ही रहते हैं बट अपने को पता नहीं रहता। तो यार, इसके लिए इतनी पढ़ाई बस हो गई। मुझे पता है ये वीडियो ज्यादा फनी नहीं है, ना ही टेक्निकल वीडियो है, बट इसमें कुछ फीलिंग्स है मेरे। अगर आपको वीडियो समझ आई होगी तो आप समझ सकते हो कि मेरे फीलिंग्स क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो यार। एम करते हैं
10 लाइक्स का। पता है औकात के बाहर के लाइक्स मांग रहा हूँ, बट अभी थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसे फ्रेंड्स है क्या आपके, और अगर उस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है उस पे गालियां मारो या अपना फेसबुक चिपकाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक कर दो। सिर्फ क्लिक ही तो करना है यार। तो अभी मैं भी जाता हूँ अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ चिल मारने। बाय। जैक, इंस्टाग्राम पे जितने भी अपने स्कूल के फ्रेंड्स दिख रहे हैं उन सबको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर दे।